इस चैनल पर आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी और हर कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा आज ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आया हूँ कहानी है एक आम बच्चे की एक बच्चा जिसे पढ़ाई लिखाई बचपन से ही बहुत पसंद थी क्लास में टॉप करना उसे बहुत पसंद था कैसे ये एक आम बच्चा आज आई बॉम्बे में पढ़ रहा है ये उसकी कहानी है आई बॉम्बे विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन दर्ल्ड ये मेरी कहानी है मैं कौन मैं हूं शुभम पूरा नाम शुभम सुनील मेहरो महाराष्ट्र के नासिक नाम के एक छोटे से प्यारे से शहर में पला बड़ा आई एम एमर मेरा ऑल इंडिया रैंक 16 था एडवांस में और मैं आई बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो आइए जानते हैं मेरी लाइफ के बारे में क्लास सेवन तक मेरी लाइफ बहुत सिंपल चल रही थी सेल्फ स्टडी एंड स्कूल मोर देन इनफ पर उसके बाद क्लास एट में आता है ट्विस्ट क्लास एट में मुझे पहली बार पता चलता है आई के बारे में कैसे वो मैं आगे बताऊंगा तो जैसे ही आईआईटी के बारे में पता चला तो मैं और मेरे मम्मा हम लोग ढूंढने लगे आईआईटी के लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर्स और नॉट मच सरप्राइजिंगली हमें नासिक में कोई बहुत ज्यादा अच्छी कोचिंग सेंटर्स नहीं मिले तो अब आते हैं उस किस्से पर कि मुझे आई के बारे में कैसे पता चला तो एक न्यू कोचिंग सेंटर नासिक में ओपन हो रहा था दे स्टार्टेड आउट इन इंदौर इंदौर में उनका मेन हेडक्वार्टर था एंड नासिक उनका सेवेंथ सेंटर था इन ओवरऑल इंडिया सो फॉर दैट उन्होंने पूरे स्कूल्स में, नासिक के जितने भी स्कूल्स सब में एक करवाया था जिसमें आई तो सब स्टूडेंट्स के बारे में काफी सारी चीजें बताई और वहां से शुरू हुआ मेरा नया सफर क्योंकि मैंने इनके मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आई वॉज पुट इन द स्पेशल बैच अब मैं कोचिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहा था आज तक मैंने स्कूल में टॉप करना या स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाना इस समय मुझे कभी डिफिकल्टीज नहीं आई बट यहाँ पर इवन एस्केपिंग द बॉटम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी आई वॉज स्ट्रगलिंग सो मच दैट आई ऑलमोस्ट थॉट ऑफ गिविंग अप और मेरे पेरेंट्स ने इसमें मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया आठ नौ महीने तक ये स्ट्रगल चला पर फिर उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर और उसके बाद क्लास नाइन्थ के एग्जामिनेशन आए और उसमें एक महीने का वेकेशन मिला मुझे कोचिंग क्लासेस से तो उस एक महीने के वेकेशन में मैंने क्लास का पूरा सिलेबस कवर किया एंड फिगर्ड आउट में मुझे क्या करना है फिर क्लास टीचर से बात करी और के के मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करेंगे फॉर इन द longer रन तो मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया कि आई विल प्रिपेयर फॉर क्लास विल्थ बोर्ड ओनली इन द लास्ट थ्री और फोर मंथ और तब तक आई विल प्रिपेयर ओनली फॉर विल्स एंड एडवांस आई थॉट ये सब सही चलेगा एंड थिंग्स विल बी वेरी गुड बट ऐसा नहीं था तीन महीने बाद आए मेरे क्वार्टरली एग्जामिनेशन एंड आई परफॉर्म वेरी बैड मुझे सब आता था बट देर वॉज नो फॉर्मल प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन तो इसीलिए मेरे मार्क्स इतने खराब थे कि टीचर्स ने मुझे बहुत डांटा फर्स्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन में मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब था दो आई न्यू एवरीथिंग बट देर वॉज नो फॉर्मल प्रिपरेशन फॉर राइटिंग में मेरा हाल बहुत खराब थामिस्ट्री मैथ्स तो मैं एनी वेज पढ़ ही रहा था तो मैंने सोचा कि अब जेई की प्रिपेरेशन को मुझे थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन टी एस सी एन टी एस सी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी और एस एस टी भी पढ़ना पड़ रहा था मुझे बट ऑल फॉर क्लास टेंथ तो मेरा क्लास टेंवर हो रहा था एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आई वॉज टचिंग हायर लेवल जो कि मुझे जेई में भी हेल्प करता तो ऐसे चलता रहा थोड़े समय बाद एन टी एस सी भी आ गया मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन खत्म हुए और एन टी एस सीट तो मैंने स्कूल में एक हफ्ते की छुट्टी ले ली बट माई आईज वर स्ट्रगलिंग बिकॉज मैं अपनी लिमिट बहुत ज्यादा पुश कर रहा था एंड स्लीपलेसनेस की वजह से मेरी आईज में ड्राइनेस और रेडनेस बहुत ज्यादा हो गई थी और फाइनली एन टी एस सी वाला दिन भी आ ही गया एन टी एस सी का पेपर मैंने पहला पेपर दिया मैट मैक में जब मैं कोचिंग में या मॉक पेपर्स दिया करता था या प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था आई वॉज स्कोरिंग मोर देन और यहाँ पे आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल मुझे लगा कि शायद मेरे सिक्सटी फाइव परसेंट भी नहीं आ पाएंगे बट एनी मैंने खुद को संभाला मेरे पापा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही खड़े थे मैं बाहर गया मैं रोना चाहता था बट मैंने सोचा अगर मैं रो दूंगा तो मेरा दूसरा पेपर भी खराब हो जाएगा

तो शॉपिंग से मैं वापस आ ही रहा था कि तभी मेरे दोस्तों का कॉल आया कि दूसरे कोचिंग सेंटर्स ने आंसर की रिलीज की है तो चेक करो एंड टेल मी क्या हुआ है अपडेट एंड आई थिंक दैट माई बिगेस्ट मिस्टेक मैं हमेशा ये कहता हूँ और आज फिर ये कहूंगा कोई भी एग्जामिनेशन देने के बाद आंसर की तब तक मत चेक करो जब तक ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं होती है एग्जाम इज ओवर योर पार्ट वॉज टू अटेम्प्टी एग्जामिनेशन एंड यू हैव डन दैट अब जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती यू डोंट हैव टू चेक द आंसर्स तो मैंने आंसर की से अपने आंसर शीट मैच करी एंड आई वाज लाइक ओके डन नहीं हो रहा है एन टी एस सी एंड आई वाज लाइक ओके आई अप माय मेसडअप फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आई हैव क्लियरली अप क्लियरलीस सी एज वेल तो मैंने टेंथ क्लास को पूरा ही वेस्ट कर दिया बिकॉज जेई की प्रिपरेशन तो मैंने रोक ही दी थी तो अगले दिन फिर अगले दिन मैं कोचिंग गया वापस तो मोस्टली मेरे टीचर्स जो थे वो छुट्टी पर जा चुके थे बिकॉज दिवाली थी तो कुछ टीचर्स जो थे उनसे बात करी एंड वन ऑफ माई सर सेट कि नहीं तेरा अकेले का परफॉर्मेंस मैं नहीं हुआ है वी हैव दैट पिछले पांच सालों में सबसे डिफिकल्ट पेपर इसी साल आया था एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि इस बार का कट ऑफ बहुत नीचे होगा बोर्ड एग्जाम से लगभग सेन हफ्ते पहले सी का रिजल्ट आया पूरी कोचिंग क्लास में मेरे मार्क्स वर द लोएस्ट मुझे उस टाइम पर दो चीजें समझ आए पहला ये कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी बट दैट वॉज नॉट इनफ मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस मेहनत से कुछ नहीं होने वाला एंड नंबर टू

फिर अब क्लास इलेवेंथ भी खत्म होने पर थी मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मुझे टीचर्स ने कहा कि यहाँ रहने से अच्छा गो टू द इंदौर मेन हेडक्वार्टर एंड वहां पर हॉस्टल ले लो और वहां पर फुल टाइम तुम पढ़ पाओगे और वहां बेटर स्टूडेंट्स हैं तो बेटर कॉम्पिटिशन भी तुम्हें मिल पाएगा देन इट वॉज डिसाइडेड कि मैं इंदौर जाऊंगा पर इंदौर जाने से सिर्फ एक हफ्ते पहले देश में आ गया कोविड और लग गया 21 दिन का लॉकडाउन और देखते ही देखते 21 दिन का ये लॉकडाउन महीनों में बदल गया और मेरी कोचिंग क्लासेस बंद हो गई फिर क्या अब यहां से मैं ही खुद को जेई एडवांस क्लियर करवा सकता था फिर मैं जुट गया मैंने सेल्फ स्टडी करी बहुत ज्यादा मेहनत करी मैंने खुद की स्ट्रैटेजीज बनाई और ये स्ट्रेटेजीज मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो मैंने अपना जई मीन का पहला अटेम्प्ट दिया आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने बहुत रिविजन किया था मैंने बहुत थियोरी पढ़ी थी आई थॉट की हंड्रेड परसेंट आ जाएगा आई सिक्योर्ड नाइनटी एट गुड स्कोर बट नॉट इनफॉर आई आई टी बॉम्बे एंड सर्टनली नॉट इनफॉर आई आई टी बॉम्बे साइंस बट दे आई स्टार्ट अगेन मैंने पीवाई क्यूज सोल्व नहीं किए थे तो दिस टाइम आई स्टार्टेड सोल्विंग पीवाई क्यूज मैंने बहुत पीवाड परसेंट टाइम इनफैक्ट पीवाई क्यूज अब बहुत से लोगों को ये सवाल आता है कि इतने पीवाई क्यूज हम लाए कहाँ से क्या हम कोई डीएलपी खरीदे क्या हम किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स खरीदे इतनी सारी बुक्स हम कौन सी बुक खरीदे ट्रस्ट मी यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस एन अभ्यास एक फ्री एप्लीकेशन है एन टी विच इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई मेन्स कंडक्ट करवाता है उन्हीं ने बनाया है ये ऐप एन अभ्यास ऐप बिल्कुल फ्री है बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए यूज दिस एप्लीकेशन और 16 मार्च 2021 को यानी ठीक एक दिन पहले शाम को मेरे नाना जी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई मेरे नाना जी मेरे बहुत क्लोज थे उनसे कॉल पर बात किए बिना मैं कोई एग्जाम देने नहीं जाता था एंड फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं अपना जेई मेन्स का सेकेंड अटेम्प्ट देने जाऊँ पर फिर मेरी मम्मा ने मुझे समझाया शी सेड नाना जी को ये कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर तू अपना एग्जाम मिसअप करेगा तो आई पुट माई सेल्फ टूगेदर एंड आई वेंट अहेड फॉर द एग्जामिनेशन आई डेंट परफॉर्म अप टू माई एक्सपेक्टेशन बट आई स्टिल हैड टू अटैम्प्ट लेफ्ट तो मैंने थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी इस बार और ज्यादा पीवाई क्यूज सॉल्व किए एंड विद एवरी अटेम्प्ट आई केप्ट इम्प्रूविंग सेकेंड थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में आई सिक्योर्ड नाइनटी नाइन प्लस

सुबह से मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था फाइनली पूजा करने बैठा और तभी मेरे दोस्तों के कॉल आने लगे तो आई वॉज श्योर के रिजल्ट आ गया है पूजा करने के बाद मैंने मोबाइल फोन एग्जाम का रिजल्ट देखने बैठो ना हमेशा यही प्रोसेस होगा आप वेबसाइट पर जाओगे का सर्वर डाउन हो जाएगा यू विल वेट

आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फली आई हैव डन इट तो अभी शुरू करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज स्ट्रैटेजीज जिससे आप सेल्फ स्टडी करके भी जेई के एग्जाम को फोड़ सकते हो आई आई टी बॉम्बे भी पा सकते हो ये स्ट्रैटेजीज प्रूवन है बिकॉज मैंने खुद ये स्ट्रैटेजीज यूज की है और कई सारे मेरे ऐसे जूनियर्स है जिन्हें मैंने बताया था किसी टाइम पर कि ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो उनमें से कुछ आई आई टी कानपुर में है और कुछ आई आई टी बॉम्बे में भी है तो ये प्रूवन तो ये टेस्टेड एंड प्रूवन है एक स्ट्रैटेजी है द लास्ट फिफ्टी डेज तो जब एग्जाम से लास्ट फिफ्टी डेज बचे आप अपने कैलेंडर को मार्क कर दीजिए इन फर्स्ट ट्वेंटी थियरी पार्ट आप रिविजन करो कुछ नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ो बट ओनली थियोरी नो क्वेश्चन सॉल्विंग और नो सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर देन इन द नेक्स्ट ट्वेंटी डेज यू विल नॉट रिवाइज एनीथिंग यू विल नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू यू विल जस्ट गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू विल सॉल्व सोल्व यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स यू विल एनालाइज योर मिस्टेक्स

फोकसिंग ओनली ऑन थियोरी मैंने पी वाई क्यू सॉल्व ही नहीं किए थे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा देखे ही नहीं थे तो थियोरी के साथ साथ इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू सॉल्व क्वेश्चन एज वेल एंड उससे भी ज्यादा जरूरी है दैट यू एनालाइज योर मिस्टेक्स यू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेज कीप फॉलोइंग दॉर्ट मेथड स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ऑपरचुनिटीज एंड थ्रेट्स यू डू दिस एंड यू विल डू वेल एंड इफ आई वर्व टू लीव यू विद वन सिंगल मैसेज आई वुड सी दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू But they don't come true overnight. They come true as a result of continuous efforts towards them. They come true when you keep working hard even when nothing seems to be working in your favor. They come true when you put faith in yourself before anyone else does. Thank you so much. Hello, aspirants. जो स्टॉक्स का मानना है कि देश के हर एक युवा में काबिलियत है जिंदगी में कुछ जबरदस्त हासिल करने की और अगर हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर जेई क्लियर करके देश के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हमारी मंजिल है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सब जो स्टॉक्स के मेंबर्स की जर्नी में आती है और वो ये है कि जब वो समय आता है हम जब सोचते हैं डिसाइड करते हैं कि एक कोचिंग जाना है तो हर कोचिंग क्लेम करती है कि वो बेस्ट है हर कोचिंग ये दावा करती है कि सारे टॉपर्स उन्हीं के हैं हर कोचिंग बोलती है कि उनके पास बेस्ट पढ़ाने की टेक्निक्स है तो सच क्या है आज के ज़माने में शायद सच ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है सिंस ये प्रॉब्लम जोशटॉक्स फैमिली के बहुत सारे युवाओं को आ रही थी तो जोशटॉक्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अब जिम्मा लिया है एक बड़ा भाई होने के नाते जोशॉक्स ने पूरे देश में रिसर्च की और ढूंढे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं हमारी एक कोचिंग को सिलेक्ट करने में और इन फैक्टर्स के बेसिस पर हमने आकाश इंस्टीट्यूट को चूज किया है जो कि सच में एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट कोचिंग है इसलिए नीचे एक आकाश इंस्टीट्यूट की टेस्ट लिंक भी दी गई है जिसे क्लिक करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं और जहां आपके पास मौका है अपटू नाइन्टी परसेंट स्कॉलरशिप पाने का फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट जहां पर हमारे पास मौका है टॉप लेवल की पढ़ाई इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ करने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सही जगह अपना टाइम अपने साल अपने पैसे इन्वेस्ट करें जहां हमारा एग्जाम क्लियर करने का सपना पूरा हो और देश के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेकर हमारा करियर बन पाए जो स्टॉक्स हमेशा एक बड़े भाई या एक बड़ी बहन की तरह हम सबके साथ खड़ा है और आपको आगे ले जाने के प्रयास में लगा है बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स जय हिंद